तो गाइस यार आज के इस वीडियो के अंदर हमारे पास यहाँ पर है पूरे के पूरे 8 हट्टे कट्टे बाउंसर। और अक्सर ये जो बाउंसर होते हैं ना वो तभी आते हैं जब यहाँ पर कोई राजनेता या फिर कोई बॉलीवुड का फिल्म स्टार आता है, लेकिन हम कोई बॉलीवुड के स्टार नहीं है या फिर ना फिर कोई हम कोई राजनेता नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर ये जो बाउंसर है ना वो किस लिए आए हैं वो अगर आप लोगों को जब पता पड़ेगा ना तो आपको भी सच में काफी मजा आएगा। तो गाइस ये जो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड है ना किसी फिल्म स्टार के लिए आए, ना किसी राजनेता के लिए, ना किसी प्रधानमंत्री के लिए आए हैं। ये आए हैं एक ऐसे इंसान के लिए जिनको देखकर आप चकित रह जाओगे। यार गाइस बिल्कुल चकित रह जाओगे, क्योंकि आप उस आदमी को देखोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ गाइस, और यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि अभी हम बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों के अंदर खड़े हैं, तो यहाँ पर गुड्डू बनेगा एक न्यूज रिपोर्टर, मैं भी बनूंगा एक न्यूज रिपोर्टर, और जो यहाँ पर दिनेश है वो उस इंसान का एक पर्सनल असिस्टेंट बनेगा, यानी कि पीए बनेगा गाइस। तो अब आप सोचिए कि आज होने क्या वाला है, आज सबसे तगड़ा धमाल मचने वाला है गाइस, सबसे तगड़ा धमाल मचने वाला है। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और भाई पीए जो है ना दिनेश, वो मेरे लिए बनने वाला है, और मैं बनने वाला हूँ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का सबसे रईस भिखारी, जो कि यार मैं बनूंगा। दिनेश मेरा पीए बनेगा, गुड्डू न्यूज रिपोर्टिंग करेगा और विशाल भी न्यूज रिपोर्टिंग करेगा। तो भाई इस वीडियो को बनाने के लिए हमें कम से कम 10 दिन से प्रिपेयर करना पड़ा कि सारी चीजें सेटल होनी चाहिए, तब जाकर आज ये जो वीडियो है ना वो शूट हो रहा है। और भाई अब देखते हैं कि यार क्या क्या होता है। भाई मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, लोग जब है ना रईस भिखारी को देंगे तो यार भीख देंगे या फिर नहीं देंगे। तो वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोग लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और अब इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो गाइस यार फाइनली मैं जो हूँ यहाँ पर पूरे के पूरे मेरे गेटअप के अंदर आ चुका हूँ, और यहाँ पर मैं बन चुका हूँ रिपोर्टर, और मेरे चैनल का नाम है किंग न्यूज, और मैं यहाँ पर न्यूज प्रोवाइड करवाऊंगा मेरे चैनल के ऊपर जिसका नाम है किंग न्यूज। और यहाँ पर भी बाकी लोग अपने अपने गेटअप के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर भाई मैं बन चुका हूँ मैनेजर, हमारे भारत के सबसे रिचेस्ट भिखारी फक्कड़चंद कटोरेवाला का मैनेजर, लक्कड़चंद कटोरेवाला फ्रॉम कटोरे वाला ग्रुप। जी हाँ गाइस, और मैं यहाँ पर किंग तक न्यूज का रिपोर्टर बन चुका हूँ, और आपको पल पल की न्यूज प्रोवाइड करूंगा यहाँ पर जयपुर पधारने वाले रिचेस्ट भिखारी फक्कड़चंद कटोरे वाला की पल पल की अपडेट आप तक किंग तक न्यूज के जरिए पहुँचती जाएगी। और भाई अब जो गेटअप है ना वो मेरा मेन गेटअप है, क्योंकि फक्कड़चंद जो है ना वो मैं बना हूँ फक्कड़चंद कटोरे वाला, और हमारी सिक्योरिटी के लिए इतने सारे तगड़े गार्ड लगाए हैं जो कि यार मुझे हर एक मार्केट के अंदर प्रोटेक्शन देंगे। तो अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से लाइक करो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार ये सब करना पड़ता है, देख लो भाई। तो गाइस यार यहाँ पर फक्कड़चंद कटोरे वाला जो है अपनी ओडी के अंदर बैठ चुके हैं, और यहाँ पर अगल बगल के अंदर उनके बाउंसर भी यहाँ पर आ चुके हैं, और हम जो रिपोर्टर लोग हैं ना वो जाते हैं पब्लिक एरिया के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा पब्लिक होती है ना, वहाँ पर हम लोग पहले से ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनको पूरा का पूरा कवर करेंगे। तो गाइस अब इनको भेजते हैं पब्लिक में जहाँ पर मेन पब्लिक है, और देखते हैं पब्लिक के रिएक्शन कैसे आते हैं। हम 15 मिनट पहले वहाँ पहुँचेंगे, रेडी है? यहाँ पर मैं दिनेश बन चुका हूँ लक्कड़चंद कटोरे वाला, और हमारे भारत के सबसे रिचेस्ट भिखारी यानी कि शिवराज भाई बन चुके हैं भारत के सबसे रिचेस्ट भिखारी फक्कड़चंद कटोरे वाला, और यहाँ पर इनका कटोरा है। अरे यार देख लो, समझ रहा
समझ रहे हो ना भाई, मुझे क्या क्या बनना पड़ रहा है पता नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे भारत का सबसे रिचेस्ट और सबसे जो रईस है ना वो भिखारी बनाया गया है मेरे लिए। बॉडीगार्ड भी है, ओडी भी है, सब कुछ है, और भैया ड्राइविंग कर रहे हैं इधर, और दिनेश जो है मेरा असिस्टेंट बना है, पीए पर्सनल असिस्टेंट, बिल्कुल इसके अंदर केस रखा है। और अब हमें चलनी है लोकेशन पर, सब कुछ सेट है आगे, और सब कुछ गुड्डू ने और विशाल ने सेट कर दिया होगा, वहाँ पर हाइप बढ़ा ली होगी, और अब चलते हैं मार्केट में। तो गाइज मैं विशाल पारिक आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ यहाँ पर किंग टेक न्यूज के अंदर, और यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और आपके लिए खास रिपोर्टिंग आज की पेशकश लेकर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है इंडिया के मशहूर नहीं इंटरनेशनल के पूरे मशहूर फक्कर चंद जी कटोरे वाला यहाँ पर पधारने वाले हैं कुछ ही समय के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो किंग न्यूज, और आज की सबसे ब्रेकिंग और सबसे ताजा खबर यह है कि यहाँ पर आने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर भिखारी जिनकी करोड़ों के अंदर इनकम है और उनकी काफी सारी टीमें चलती है, बहुत ही बड़े बादशाह यानी कि सबसे बड़े भिखारी राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर आने वाले हैं। यहाँ पर न्यूज है किंग न्यूज, कैमरामैन शिवा के साथ मैं गुड्डू, किंग न्यूज। बस कुछ ही टाइम में पहुंचने वाला हूँ, उसके बाद में मैं कैमरा हैंडल नहीं करूंगा, उसके बाद मुझे भीख मांगनी है। और भाई यहाँ पर फक्कर चंद जी को देखने के लिए देखो उधर बहुत ज्यादा भीड़ लग चुकी है भाई। ये जो ओडी कार देख रहे हो वो उन्हीं की है, और आसपास के अंदर आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े बाउंसर भी यहाँ पर उनके पीछे पीछे आ चुके हैं। आसपास के अंदर आप लोग देख सकते हो बड़े बड़े बाउंसर भी यहाँ पर उनके पीछे पीछे आ चुके हैं। भारत के सबसे बड़े भिखारी है ये। सर सर भारत में कब आए आप? मुझे 2 दिन ही हुए अभी तक। एक मिनट मैं थोड़ा बीच में हंस लूंगा। और सर यहाँ पे आने का मकसद क्या है आपका? मकसद क्या है, जयपुर में हमारी यूनियन चल रही है कटोरे वाला यूनियन, उसमें 7,000 भिखारी जुड़े हैं। अच्छा हाँ, और तो भारत के अंदर आपके और कौन कौन से बिजनेस चलते हैं मुझे? हाँ सर आप बता, जो आपके ये सर हैं इनके भारत के अंदर और कौन कौन से बिजनेस चलते हैं? नहीं इनके बिजनेस खूब है लेकिन सारे भिखारियों वाले हैं। अच्छा। यानी कि भीख मांगते हैं और फुल बिजनेस है इनका। आप कौन हो? मैं इनका असिस्टेंट हूँ, पीए। अच्छा आप, और आपका क्या नाम है? मेरा नाम है लक्कड़ चंद। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भारत के सबसे बड़े अरबपति भिखारी के यहाँ पर पीए भी हैं, और ये यहाँ पर देखो इतने बड़े आदमी होने के बावजूद यहाँ पर ये भीख मांग रहे हैं गाइस, और यहाँ पर इनको थोड़ी बहुत चिल्लर भी मिली है। लेकिन यहाँ पर भी कैसे इसके अंदर केस लेते हैं? लक्कड़ चंद जी एक और सवाल मेरा, लक्कड़ चंद जी एक और सवाल बोलो बोलो। लेकिन आप लोग ये चिल्लर लेते हो इनसे, आपके जो ये शेड है जो आपके सर है वो अरबपति कैसे बन गए, चिल्लर से कैसे बन गए? देखो हमारे हमारे नीचे लगभग तकरीबन 3 लाख लोग काम करते हैं। अच्छा ठीक है ना, और हमारी डेली की अर्निंग 1 करोड़ रुपए। अच्छा, और आप जो है भीख कैसे कैसे लेते हो आप? हम ऑनलाइन लेते हैं, कैश लेते हैं, गूगल पे लेते हैं, फोन पे लेते हैं, सब चलता है। भीख तो भारत के सबसे रिचेस्ट भिखारी है ये। बिल्कुल चलेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हो जो फक्कर चंद कटोरे वाला है वो लगातार यहाँ पर पब्लिक के अंदर भीख मांग रहे हैं, और आजू बाजू के अंदर जो बाउंसर है उनको भी लोग देखकर यहाँ पर हैरान है कि यार भिखारी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इनके पास में
स्पॉन्सर लगे हुए हैं, लोग का काफी अचंभित है। यहाँ पर देख सकते हो लोगों का काफी हुजूम लग चुका है यहाँ पर फक्कड़ चंद कटोरे वाले को देखकर। लोग देख सकते हो इस भिखारी की बहुत बड़ी तादाद के अंदर फैन फॉलोइंग है। यहाँ पर सब लोग आ रहे हैं और इनके साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फक्कड़ चंद कटोरे वाला है। अच्छा, और मेन हमारा जो काम है वो फ्रेंचाइजी हमारी भीख मांगने की ही है। तो आप इस प्रोफेशन में कैसे आए और क्यों आए? देखो बचपन से ही क्या है, मुझे दुनिया का सबसे राइस भिखारी बनने की शौक था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अच्छा, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी और भीख मांगने लग गया। हमने सुना है कि सर जयपुर में आपका एक खास मकसद है, उस वजह से आप यहाँ पर आए हैं और जयपुर के लोगों के लिए आपने कुछ ऐसा करने की सोची है। बिल्कुल, पिछले महीने हमारे यहाँ पे जयपुर में 7000 भिखारी हमारी यूनियन से जुड़े हैं। अच्छा, कटोरे वाला यूनियन से। अच्छा, तो हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ने के लिए यहाँ पर हमने एक मीटिंग रखी है, उसके अंदर हम 7 से 8 हजार भिखारी को जोड़ेंगे। बिल्कुल, कल हमारी मीटिंग है, तो अभी जो है भीख मांगने का। तो गाइस आपने सुन लिया कि किस तरह जो फक्कड़ चंद जी कटोरे वाले हैं वहाँ पर अपना एक मकसद लेकर इस जगह पर आए हैं और कुछ एक अलग यहाँ पर जुनून लेकर वो अपने साथ 7000 भिखारियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैम ये है भारत के इंटरनेशनल भिखारी हैं, भारत के सबसे रईस भिखारी हैं जयपुर के अंदर। इनके कटोरे वाला ग्रुप के अंदर ये 7000 भिखारियों को जोड़ने का अपना लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? तो इनके पास तो बहुत पैसा होगा। पैसा तो है, लेकिन आप इनकी लाइफ स्टाइल देखिए, ऐसे ही जीते हैं और जितने भी भिखारी हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी बात जी। थैंक यू मैम। भाई साहब जो मुझे भीख है वो क्या कमाल की मिली है, और क्या लोग इकट्ठे हुए हैं उधर, और भाई रिचेस्ट भिखारी के साथ में सेल्फी खिंचवाने का भी अलग मजा है। भाई मजा आ गया यार फर्स्ट लोकेशन में जाकर। भाई इतनी भीड़ हुई, इकट्ठा इतनी भीड़ हुई, वो देख रहे हैं कौन सा सेलिब्रिटी आ रहा है, मतलब उनको पता नहीं चल रहा है कि कोई सेलिब्रिटी है या भिखारी है। तो भाई जार एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है किंग न्यूज के ऊपर, और ऐसा सुना जा रहा है कि यहाँ पर भारत के सबसे बड़े भिखारी फक्कड़ चंद कटोरे माली जो गैंग है वो यहाँ पर भी आकर भीख मांगेगी, और अभी का जो माहौल है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका किंग तक न्यूज चैनल के अंदर, और मैं विशाल पारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। शांत माहौल है और देर के बाद यहाँ का जो माहौल है पूरा बदलने वाला है। सबसे बड़े भिखारी आने वाले हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? अरे यहीं पे तो भीख मिलेगी उनको, करोड़ों के अंदर लाखों के अंदर, इतना बड़ा माहौल है, इसीलिए तो यहाँ पर आएंगे ना। कहाँ से आ रहे हैं वो? यहाँ मुंबई से आ रहे हैं वो। क्या आप उनको भीख दोगे? हम तो देंगे, हम तो यार हमारे पास क्या भीख देने। अरे भीख मांगेंगे यार वो तो देंगे, देने वाले जो। अच्छा, तो इसका मतलब आप नहीं देना चाहोगे? मैम यहाँ पर थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर इंडिया के सबसे रिचेस्ट जिनको हम भिखारी तो बोल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर के अंदर पहुँचने वाले हैं। जी हाँ, आपको सुनकर थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी ये देर के अंदर हुआ। जी हाँ, पूरे भारत के वो रिचेस्ट भिखारी फक्कड़ चंद कटोरे वाला जो थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर पहुँचने वाले, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं आप, लेकिन उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन लाखों जो भिखारी हैं उनके नीचे जो अंडर उनके ग्रुप कटोरे वाले के अंदर जुड़े हुए हैं वो उनको जानते हैं। आपको सुनकर हंसी जरूर आ रही होगी, लेकिन मैम वो यहाँ पर जयपुर में एक ऐसा मकसद लेकर आए हैं, जो यहाँ पर 7000 भिखारी हैं जो अपनी रोजी रोटी मुश्किल से चला रहे हैं उनको वो यहाँ पर जोड़ने वाला है। कुछ कहना चाहेंगे सर? अच्छी बात है उनकी, कोई कोई उठ कर आया है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल।
हरामी हो बेटा। क्या है? सर 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 जी सर, आप यहाँ पर जयपुर के अंदर आए, हमने सुना यहाँ पर, हम अपनी पूरी रिपोर्टिंग टीम लेकर आए हैं, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस खास मकसद के लिए? जी बिल्कुल, जयपुर में हमारी जो है यूनियन कटोरा वाला, उसको हमने पिछले महीने लॉन्च किया था और 7000 जो है भिखारी हमारी इस यूनियन से जुड़े हैं। तो कल हमारी बड़ी मीटिंग होने वाली है, उससे पहले इस जयपुर की धरती पर मुझे भी भीख मांगनी है, तो बहुत सारी भीख मांग ली है और यहाँ पर भी भीख ही मांगनी है। सर यहाँ पर भीख मांग कर इंस्पायर करेंगे यहाँ के सारे भिखारियों को कि ताकि कैसे एक छोटा सा बंदा इतना रिचेस्ट बन गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटोरे वाले ग्रुप के चेयरमैन यहाँ पर पक्कड़ चंद जी जल्द ही यहाँ पर हमारे बीच पहुँच चुके हैं और इनसे कुछ सवाल हैं हमारे जो हम इनको पूछना चाहेंगे कि सर आपकी जो अभी एज है वो काफ़ी कम है, लेकिन आप इस प्रोफेशन में और इस प्रोफेशन के लिए कैसे आपने ये चुना? देखो शुरुआत से ही मेरा एक सपना था कि दुनिया का सबसे अमीर भिखारी बनने का, तो आप देखो कि ये भी कारवा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है और बचपन से ही जो है ना मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल की नहीं है। सर जो आपकी जो बाकी की फैमिली है ना, उनका क्या प्रोफेशनल है, वो क्या काम करते हैं, क्या वो भी इसी प्रोफेशनल के अंदर है या फिर उनका कोई अलग बिजनेस है? नहीं देखो मेरे दादाजी थे वो भी एक प्रोफेशनल भिखारी थे। अच्छा अच्छा। और मेरे पापा थे वो भी प्रोफेशनल भिखारी थे। अच्छा। और उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ और मैंने पढ़ाई भी छोड़ दी और मैं भी इस लाइन में घुस गया। बिल्कुल, जैसा कि दर्शकों आप लोग देख रहे हो कि ये इनके जो पूरी की पूरी फैमिली है, वो पूरी की पूरी पीढ़ी है, वो भीख मांग मांग कर यहाँ पर अरबपति बनी है। सर का नेक्स्ट टारगेट कौन सा है? सर नेक्स्ट लोकेशन कौन सा है? भीख मांग लेगा सर प्लीज। देखिए वो तो नहीं सर, एक बार पता चलेगा। आप किस तरीके से रहते हैं, आपका घर कितने रुपयों का है, क्या आप महंगे घर में रहते हैं? अरे सर के पास 5 करोड़ का बंगला है, लेकिन सर को ये पसंद है। बंगले हैं हर एक सिटी में है, लेकिन मैं बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी में रहना पसंद करता हूँ। मैंने बचपन वहीं बिताया, जवानी भी वहीं बिताऊंगा और मरूंगा भी वहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक नॉर्मल इंसान की तरह इतने रिचेस्ट भिखारी होने के बावजूद यहाँ पर ये बिल्कुल नॉर्मल लिविंग के अंदर रहना चाहते हैं। और सर आपकी आज की भीख कितनी हुई? आज की भीख देखो यहाँ पर तो अच्छी खासी भीख हो गई है, लगभग 1.5 लाख रुपए हमने कैश किए हैं। आज की भीख है? बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेकिंग न्यूज गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आज की भीख मांग ली है यहाँ पर फक्कड़चंद कटोरे वाले ने। यहाँ पर आज की भीख है 1.5 लाख रुपए। और जैसा कि आप लोग सूटकेस के अंदर देख रहे हो, इनके जो पीए हैं बार बार आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आज की इनकी जो भीख है वो 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। गाइस देख, आप लोग देख सकते हो, बात करने थे सर, मेरी बात सुनिए सर, एक आखिरी सवाल सर। अरे आप आपको सर कितनी सैलरी मिल रही है सर इनके द्वारा? आखिरी सवाल सर, Love you. तो भाई दो लोकेशन पे शूट हो गया है और दोनों ही लोकेशन पे बहुत ज्यादा मजा आया। लोग बिल्कुल भौचक्के हो गए कि भाई इतने बड़े बड़े तगड़े बाउंसर कैसे आ गए इस भिखारी के पास। फिर जैसे जैसे इंटरव्यू होता चला गया, सबको पता चलता गया कि भिखारी के पास जो है ना वो इतने सारे गार्ड और गाड़ियां कहां से आई है। और भाई यहां पर भी जैसे ही यहां पर शिवराज फक्कड़चंद उतरा, पब्लिक पागल हो गई। वो सोच रहे हैं कि यार रियल के ये मुंबई वाले भिखारी तो नहीं है, या फिर वो जो हैदराबाद के रिचेस्ट भिखारी तो नहीं आ गए हैं, ऐसा सोच रहे थे और फुल भीड़ हो गई थी। तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका किंग तक न्यूज के ऊपर और मैं विशाल पारी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। और थोड़ी ही देर के अंदर यहां पर जो एक मशहूर हस्ती पहुंचने वाली है और यहां पर आप लोगों का एक बार उत्साह देख सकते हैं कि किस प्रकार यहां पर माहौल है। राजकुमार जी यहां पर मौजूद है और यहां पर सर थोड़ी देर के अंदर भारत के सबसे मशहूर रिचेस्ट भिखारी यहां पर पहुंचने वाले हैं। तो यहां पर जो राजकुमार जी का कहना है कि आने दो, देखते हैं किस प्रकार का रहन सहन यहां पर दिखता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है किंग न्यूज के ऊपर। और यहाँ पर ऐसा सुना जा रहा है कि यहाँ पर भारत के सबसे बड़े भिखारी यहाँ पर फक्कड़चंद कटोरे वाला यहाँ पर जयपुर की सबसे फेमस जगह के ऊपर आने वाले हैं। यहाँ पर लोग बाग काफी इकट्ठे हो चुके हैं और यह दिखाते हैं
इसको देखने के लिए आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। भैया कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है भाई, पब्लिक आने वाले है, बहुत भर के सबसे बड़े फेमस भिखारी आने वाले क्या कहते हो? अरे बहुत बड़ा आने वाला, हम लोग एक्साइटेड है। पकड़ चल तो सर 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 एक सवाल है, सर एक सवाल है मेरा। हाँ बोलो सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पंकज चंद जी क्या आप भीख मांगते मांगते थकते नहीं हो क्या? नहीं नहीं, हमारा जो है बचपन का यही हाल है। आप पूरे दिन के अंदर कितने भीख मांगते हो आप? देखो हमारा बिजनेस है, कम से कम एक दिन के अंदर 2 लाख 3 लाख 5 लाख के आसपास चला जाता है। अच्छा तो आप बना सुबह कितने बजे आते हो? तरक्की करने के लिए 5 बजे लगता हूँ मैं, और रात के 10 बजे तक तरक्की करता हूँ। हमारा जो है इंटरनेशनल में 8 से 10 बिजनेस है डायमंड का, और मेनली जो है भीख मांगने का ही है, कटोरा एंड कटोरा कंपनी। आप मतलब आपके कितने ब्रांचेज आप हैंडल करते हैं पूरे भारत के अंदर? देखो इंडिया में अभी जो हमारे 109 ब्रांचेज हैंडल हो रहे हैं। कुछ भी, और एक हमारी ब्रांच अभी जयपुर में खुली है। कौन से मंदिर? तो यहाँ पर लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर फक्कर चंद जी जो जैसे ही पहुँचे हैं, तो यहाँ तो पैसा और क्या मांग रहे हैं, भीड़ जो है उमर इनका काम है, इनका काम है भीख मांगने का काम है, पैसे है तो क्या हुआ, भीख मांगेंगे तभी फिर पैसा बनेगा ना। फॉरन का आप लोग, हम लोग इस भिखारी को यहाँ पर युगांडा की जो करेंसी है वो भी दे रहे हैं, लेकिन अब छीनने की कोशिश नहीं हो रही है। मैं पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल, आप अंडरवियर कौन सी पहनते हैं? रहा नहीं जाता। देखिए सर ये तो बहुत ज्यादा पर्सनल है, एक मिनट को, ये पर्सनल मैटर है हमारा, और ये अंडरवियर पहनते हैं अमेरिका कंपनी है, ठीक है। सर प्लीज सारी जाओ आगे बढ़ो, सर प्लीज लेट हो रहा है, सर लेट हो रहा है, सर प्लीज सर एक सवाल आखिरी सवाल और बिजी शेड्यूल। तो गाइज यहाँ पर जो है इतने सारे रिएक्शन यार हमने अपनी पूरी एक्सपेरिमेंट किंग चैनल की लाइफ के अंदर नहीं देखे लोगों के। यार ये जो सूट था ना वो सच में यार जबरदस्त और धमाकेदार और कमाल का था यार। गाइज भाई मेरी जिंदगी के अंदर है ना 10 दिन इतने डिफिकल्ट निकले हैं इस सूट के लिए, प्रिपेयर करना कि भीख कैसे मांगे, और वो भी राजस्थान की कैपिटल जयपुर में भाई। लेकिन यार मजा आ गया, हर एक लोकेशन पर यार इतने तगड़े रिएक्शन मिले कि यार दिल खुश हो गया भाई। जैसे इन बड़े भिखारी की गाड़ी रुक रही थी और गाइस भीड़ वहां पर बेकाबू हो रही थी, और लोग ये सोच रहे थे भाई आए कहां से, कौन से सेलिब्रिटी है, क्या है, और जब इनको बाहर देखा इस हालत के अंदर तो हंसने लगे, भाई ये कौन सा भिखारी इतना रिचेस्ट। बिल्कुल गाइस, तो यार आप लोगों को कैसी लगी हमारे लक्कड़चंद और फक्कड़चंद की एक्टिंग? अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल एक्सपेरिमेंट किंग को क्या कर देना, सब्सक्राइब फटाफट से सब्सक्राइब मारो यार, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसको भी ठोको तोड़ो मरोड़ो कुछ भी करो लेकिन दबाओ जरूर यार। बिल्कुल, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। करो करो सब्सक्राइब करो वरना लकड़ी है यार, देख लो यार, करो यार लक्कड़चंद की लकड़ी चल जाएगी।